हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के अंदर में छिपा के रखा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको उस यहोवा जलाल परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, वो इतना दयालु परमेश्वर है, वो इतना करुणा निधान परमेश्वर है। आपकी आंसुओं को पोंछेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपकी तंगी परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैंने तेरे रोगों को, निश्चय मैंने तेरे दुखों को, निश्चय मैंने तेरी बीमारियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया हूँ और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया हूँ। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। उसके हाथों पैर में 39 कोड़े लगवाए गए, उसके शरीर पीठ पर 39 कोड़े लगवाए गए, उसके हाथों पैरों में किले ठोकी गई। मेरे प्रियजनों, इतना दुख, इतना दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए ले लिया। हमारे पापों के कारण जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारा पिता कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यदि दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बोलना है। वो इतना महान पिता है, इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणानिधान परमेश्वर है। आपकी आंसुओं को पोंछेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को यीशु मसीह दूर कर देगा, दूर कर देगा। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है, यीशु मसीह के नाम से बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन से हर एक रुकावट के बंधन, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन, हर एक करातरा के बंधन यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाए, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रियजनों, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मुख से, अपने जुबान से, अपने शब्दों से शैतान को डांटना यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान दुष्ट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा कांपती हैं। उनकी औकात नहीं है यीशु मसीह के सामने खड़े रहने की, टिके रहने की। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। यूहन्ना 5:11 वचन में यीशु मसीह ने अपने वचन के माध्यम से कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट संकट में हैं, डर में हैं, बीमारी में, घबराहट में डरे हुए हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बोलना है। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोंछेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा परमेश्वर, आपकी तंगी परेशानी को दूर करेगा परमेश्वर। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताना है। वो इतना दयालु परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है। उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया, उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वैसा प्यार प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र यीशु मसीह परमेश्वर, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर 30-32 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए हमारे कारण। उसने जो ताड़ना हमें मिलने वाली थी, जो सजा हम पापियों को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा पिता, और वह बलिदान हो गया, क्रूस पे चढ़ गया, कलरी क्रूस पे चढ़ गया और बोला, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे पिता, आपने कहा है, मेरे प्रभु, मेरे पिता, इन मसीह बहनों के जीवन में आप चमत्कार करें। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आँख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। यीशु मसीह आपके जीवन से हर दुख दूर करेगा, हर बीमारी दूर करेगा, आपके जीवन से, लाइफ से वे गंदे आत्माओं के बंधन चले जाएंगे, टूट जाएंगे। इस प्रार्थना को आँख बंद करके पूरा विश्वास के साथ सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान, मेरे पिता आप दयालु हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर यीशु पापा, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रभु इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे यीशु पापा, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते, आप पर विश्वास भरोसा नहीं करते पिता। वे मर गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ का धुआं युगानुग उड़ता रहता है। प्रभु वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे स्वामी हम सभी को मेरे पिता इस संसार से चुना है, चुन के अन्य जातियों से अंधकार से चुन के हटा कर पिता ज्योति में किया है। प्रभु इसके लिए पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिता, हम प्रार्थना करते आपके दास होने के नाते, प्रभु एक सेवक होने के नाते मेरे पिता, मुझे विश्वास से पिता, विश्वास के द्वारा इन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता हम आदेश देते हैं पिता, जो खाट पे जो बेड पे पड़े हैं मसीह, जो आखिरी सांस ले रहे हैं पिता, जो पिता हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता ये आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, रसीब करो आमीन बोलकर, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यीशु पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते पिता, इन मसीह भाइयों के जीवन पिता हर बीमारी के बंधन टूट जाए, हर बीमारी के बंधन जल जाए, ये आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए, कैंसर टाइफू कैंसर गिल्टियों बीमारियों से नाना प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, जो मसीह भवन गरीब है, लाचार है पिता, जो कमाद ने पिता, जो तंगी परेशानी में गरीब में जूझ रहे पिता, यीशु मसीह आपके नाम से पिता ये बीमारियों से, ये गरीबी से, शरापों से आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मेरे प्रभु आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है वह पाता है। मेरे पिता मेरे प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, मेरे पिता आप जानते पिता हम सभी को क्या चाहिए। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मैं तेरे हाथ देने वाले बनाऊंगा, मांगने में नहीं तेरे हाथ देने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता इनके जीवन पिता यीशु मसीह आप चमत्कार करें पिता, इनकी तंगी को, परेशानी को, गरीबी को यीशु मसीह आप दूर कर दे पिता, इनके हाथ बहुतेरे जातों को उधार दे ले, बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, आप सेनाओं के मेरे पिता, हम प्रार्थना करते विनतियाँ करते खास दौर से यीशु पापा, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं जान बूझ कर या अनजान में पिता, जो गलतियाँ अपराध पाप किए हैं मेरे पिता, हम माफ करें पिता, आप क्षमा करें पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं, ढाप सकते हैं पिता, अपनी करुणा के अनुसार पिता हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार पिता हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को माफ कर दे, ढाप दे पिता परमेश्वर पिता। मेरे पिता हम मनुष्य पिता, हम निर्बल हैं, पाप में गिर सकते हैं, गुनाहों में गिर सकते हैं पिता, आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे
मेरे पिता, मेरे परमा प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, फूटा है विधर में डा है मतवालापन यीशु मसीह, आपके नाम से पिता वे परिवार आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से पिता, वो आग उतरने पाए, वो मसा उतरने पाए, पवित्र आत्मा छू ले पिता, हर जन आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते प्रभु, जो मसीह रात में नहीं सो पाती पिता, जिनको डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं प्रभु, मेरे पिता जब लेटे यीशु मसीह तब इन्हें सुख की नींद आने पाए, कोई गंदा कोई डरना सपना ना आने पाए पिता, मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्राणों को सुना है मेरे पिता, ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।